सहयात्री, जिसका नाम सुनते ही आपकी आंखों के सामने बहुत सारे पहाड़, खूबसूरत वादियाँ और फोर्ट्स नज़र आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहे जाने वाले फोर्ट कलसुबाई को। कलसुबाई की ऊंचाई समुद्र सतह से लगभग 5,400 फीट है। कलसुबाई अहमदनगर के अकोला तालुका में स्थित है। कलसुबाई प्रसिद्ध है अपने नाइट ट्रेक और सनराइज ट्रेक के लिए, इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे रात को ट्रेकिंग के लिए आते हैं, ताकि सुबह सूरज उगने से पहले वो ऊपर पहुँच जाएँ और 5,400 फीट ऊपर बैठकर बादलों के बीच से उगते हुए सूरज का सुंदर दृश्य देख सकें। व्हाट्सअप गाइस, दिस इज रोहित सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेल दोस्तों, आज हम लोग जाने वाले हैं महाराष्ट्र के हाईएस्ट पीक कलसुबाई पे। एंड आज का हमारा ट्रेक थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग नाइट ट्रेक करने वाले हैं। एंड अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं पहुंच गया हूँ कसारा स्टेशन पे। कलसुबाई आने के लिए उसे दो रूट है, एक इगतपुरी से है पहला, एंड दूसरा कसारा से है। इगतपुरी से कलसुबाई का डिस्टेंस लगभग 30 किलोमीटर है, एंड कसारा से कलसुबाई का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट 50 किलोमीटर। बट अगर आप थाने मुंबई साइड से आ रहे हैं तो कसारा प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि कसारा तक आप इधर ही लोकल ट्रेन से भी आ सकते हो। एंड कसारा से लोकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है बारी विलेज के लिए। बारी विलेज जो कि कलसुबाई का बेस विलेज है, बारी विलेज से कलसुबाई के लिए ट्रेक स्टार्ट होता है। तो लेट्स गो, अभी हमें 50 किलोमीटर का सफर और तय करना है बारी विलेज के लिए। गाइस, जब हम नाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई क्लियर व्यू नहीं आ रहा है, बट अगर आप दिन में इस रूट पे ट्रैवल करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स, पहाड़ और बीच में एक बहुत ही बड़ा डैम देखने को मिल जाता है। परसेंट हुआ कि नहीं अभी? 50% हाँ, 50% हो गया। 40% हुआ रहेगा। 40% हुआ। हाँ। रोहित तो जागा शुद्ध है, कुछ टीका चेक करा देता। रोहित पानी भी पी ले। चॉकलेट दूँ क्या मुझे? आराम है। ला ला। मेरे आता मगर ऐसी गाड़ी तो को पास स्पाइडरमैन से की। मेरे को भी। मेरे को क्या? क्यों नहीं पहला? बैग ले भी लेगा बहुत कुछ। ये आ जाएगा।
क्या लग रहा है नाइट में कुछ क्लियर भी नहीं आ रहा है, बट डिसेंड करते टाइम मैं आपको सब कुछ आराम से दिखाता हूँ। गाइस हमने रात को लगभग 1 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था और 5 बजे हम लोग ऊपर पहुंचे थे। 4 घंटा लगा हमें ट्रैक कंप्लीट करने में और ऊपर हवा इतनी तेज चल रही थी और इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। सुबह अगर आप विंटर में कल सुबह का ट्रैक कर रहे हैं तो गलती से भी आप विंटर के कपड़े मत भूलना। ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडी थी, सब लोग कांप रहे थे। अभी हम ट्रैक डाउन कर रहे हैं, काफ़ी लोग अभी ऊपर जा रहे हैं, संडे है तो काफी लोग आने वाले हैं ऊपर।
सो लेट्स एंड ऑफ हियर गाइस। एंड हाँ, रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, तो आपको खाने पीने के लिए जो भी चाहिए सब मिल जाएगा यहाँ पे। एंड वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।